हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोयाबीन राइस की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। चलिए हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉईल कर लेंगे। देखिए मैंने पानी रख दिया, ये बॉईल हो गया है। अब हम इसमें तेज़ पत्ता डाल देंगे और अब हम इसमें सोयाबीन डाल देंगे। देखिए सोयाबीन को हमें बॉईल करना है और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे पानी में। देखिए सोयाबीन बॉईल हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको पानी को ठंडा होने तक इसी तरह से रख देंगे। अब देखिए हम ये स्ट्रेनर से इसको निकाल लेंगे सोयाबीन को और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। देखिए ठंडी हो गई है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, एक नींबू का रस डाल दीजिए। अब इसमें देखिए धनिया के पत्ती डाल देंगे। मैंने धनिया डाल दिया। अब देखिए इसमें मैंने बड़े बड़े साइज़ की प्याज कट की है और इसको भी इसमें हम डाल देंगे। नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, हमने जब बॉईल किया था पानी तब भी हमने इसमें नमक डाला था, तो हम इसमें कम ही नमक डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिए इसमें। ये मैंने एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। देखिए आप इसे अच्छे से मसाले इसमें लगा दीजिए, अच्छे से आप इसको अच्छे से मिलाइएगा जिसमें कि इसमें सभी में अच्छे से मसाला कोट हो जाए। अब देखिए हम कढ़ाई रख देंगे और उसमें एक चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया, एक छोटी चम्मच राई डाल दी है, ये दो से तीन इलायची है, लौंग है पाँच से छः, तीन से चार काली मिर्च है, एक बड़ी इलायची है और ये तेज़पत्ता है। इसको हम इसमें डाल देंगे और देखिए ये एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अब हम फ्राई करेंगे। ये मैंने चावल लिए हैं, इसको अब हम वॉश कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए ये फ्राई हो गई है प्याज, तो हम इसमें ये सोयाबीन डाल देंगे और इसको हमें फ्राई करना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और इसमें जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। इसी तरह से आप इसको मिला दीजिए अच्छे से जिससे कि ये मसाले अच्छे से पक जाएं। अब ये देखिए मैंने दो टमाटर लिए हैं, उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। देखिए अब मैं ये टमाटो प्यूरी इसमें डाल दी है मैंने। आप चाहे तो इसको टमाटर को कद्दूकस में घिस कर भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको मिला दीजिए और एक से दो मिनट तक इसको हम इसी तरह से पकने देंगे। अब इसको चलाती रहिए इसी तरह से। ये देखिए ये पक गए हैं। अब हम इसमें मैंने चावल को वॉश कर लिया था, अब हम ये इसमें डाल देंगे और हमें चावल से ऊपर पानी रखना है। ये देखिए मैंने एक कटोरी चावल लिए थे, मैंने इसमें डेढ़ गिलास पानी डाल दिया है और हम इसे मिला देंगे। नमक आप इसमें कम ही डालिएगा क्योंकि हमने इसमें सोयाबीन में भी पहले डाला और जब हमने इसको कोट किया था तब भी हमने नमक ऐड किया था। ये देखिए अब इसको हम ढककर पकने देंगे। ये रेडी हो चुकी है हमारी सोयाबीन पुलाव की रेसिपी। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इसको गैस फ्लेम
लो करके एक बार बॉईल आने के बाद इसको गैस फ्लेम लो कर दीजिए इसके, और लो करके इसको आप पका लीजिए। रेडी हो गई है हमारी सोयाबीन राइस की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप इसे रायते के साथ या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।